प्रिय दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेरणा दृष्टि YouTube चैनल पर। आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वह बहुत ही रोचक प्रकृति का है और भारतीय संस्कृति और भारतीय सामाजिक लोक मान्यताओं से बहुत गहराई तक जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका हर काम शुभ हो और उसे हर काम में सफलता और लाभ ही लाभ मिले। कोई नहीं चाहता कि उसके साथ कभी कोई अनहोनी घटना घटे। प्रिय दर्शकों, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा होता है यह कोई नहीं जानता, फिर भी मानव प्राचीन काल से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का रहा है और उसके जीवन में जो घटनाएं क्रियाकलाप घटित होते हैं उनका वह तरह तरह से विश्लेषण करता आया है। अगर एक बार कोई घटना घटित हो जाती है तो उसे सामान्य घटना कहते हैं, अगर दो बार कोई घटना घटित हो जाती है तब हमारा ध्यान उस घटना की ओर खींचा चला आता है और हम आश्चर्य के साथ कहने लगते हैं कि यह दूसरी बार कैसे हो गया। और जब एक ही परिवेश में एक समान परिस्थितियों में बार बार एक ही प्रकार की घटनाएं घटित होना प्रारंभ हो जाती है तो हमारा अवचेतन मन पक्की तरह से यह यकीन करने लगता है कि किन्हीं विशेष कारणों से ही इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। ऐसा होने पर वे सर्वमान्य लोक सिद्धांत और अवधारणाएं बन जाती है। तो प्रिय दर्शकों आइए और अधिक देर ना करते हुए अपने मूल विषय की ओर आते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर या प्रकृति की ओर से कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिन्हें शुभ और अच्छा समय आने का संकेत माना जाता है। अच्छा समय अपने आने की आहट पहले से ही दे देता है। हर व्यक्ति के जीवन में दुख के बाद सुख अवश्य आता है। आप पूरा वीडियो अवश्य देखें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी अवश्य करें कि क्या आपने भी कभी अपने जीवन में इस प्रकार के लक्षणों का अनुभव किया है, यदि किया है तो उसका फल क्या रहा है। तो अधिक देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। एक व्यापारी था। व्यापार के सिलसिले में उसे घर से दूर जाना पड़ता था। ऐसा करते समय वह ना तो कोई मुहूर्त देखता था और ना ही शकुन अपशकुन का विचार करता था। उसे व्यापार में लाभ कभी कभार ही होता था, अधिकतर घाटा ही होता था। रास्ते में तरह तरह की बाधाएं आ जाती थी, कभी बाढ़, कभी वर्षा, कभी चोर लुटेर। एक दिन वह जंगल में एक छायादार वृक्ष के नीचे सोया हुआ था तो उसके कानों में नीलकंठ पक्षी की तेज आवाज पड़ी। देखा तो ऊपर वृक्ष की चोटी पर दो नीलकंठ पक्षी आपस में बातें कर रहे थे। एक पक्षी ने कहा, बेचारा यह व्यापारी मेहनत तो बहुत अधिक करता है पर फिर भी इसके व्यापार में बाधाएं ही बाधाएं आती रहती है। तब दूसरे नीलकंठ पक्षी ने कहा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह व्यापारी शकुन और अपशकुन का विचार नहीं करता। प्रकृति या किसी भी व्यक्ति का शरीर और मन और पशु पक्षी हर आदमी को कुछ न कुछ अच्छे बुरे संकेत देते हैं। जो उन संकेतों को पहचान जाता है वह अधिक फायदे में रहता है और जो उन संकेतों की अनदेखी करता है वह घाटे में रहता है और इस तरह की मुसीबतें झेलता है। तब पहले नीलकंठ ने पूछा, तो बताओ वे कौन से संकेत हैं जिनकी यदि कोई आदमी पहचान कर ले तो वह अधिक लाभ कमा सकता है और सुरक्षित भी रह सकता है। तब दूसरे नीलकंठ पक्षी ने कहा, मैं तुम्हें वे 20 संकेत बता रहा हूँ जिन्हें यदि कोई भी मानव पहचान ले तो वह अधिकाधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। ये 20 संकेत या लक्षण इस प्रकार से हैं, तुम सुनो। शुभ शकुन लक्षण 1। यदि पुरुषों के शरीर का दायां हिस्सा बार बार स्फुरित हो रहा हो, फड़फड़ा रहा हो और स्त्रियों के शरीर का बायां अंग बार बार फड़क रहा हो तो समझ लीजिए कोई शुभ घटना आपके साथ घटित होने वाली है, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। पुरुषों में दायां अंग का फड़कना शुभ होता है और स्त्रियों के बायां अंग का फड़कना शुभ होता है। शुभ शकुन लक्षण 2। आप घर से निकलते हैं और सामने से कोई जल का भरा पात्र लेकर आ रहा हो तो समझ लीजिए जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं वह पूरा हो जाएगा। या आप घर से निकल रहे हो और वर्षा की बूंदें या फुहारे पड़नी प्रारंभ हो जाएं तो शुभ संकेत है। घर से निकलते समय द्वार पर जल से भरा हुआ कलश या पात्र रखिए, उसे देखकर निकलें, सारे काम शुभ ही शुभ होंगे। शुभ शकुन लक्षण 3। यदि आप घर से निकल रहे हो और आपको सामने कोई श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्री या नवविवाहित
दंपति दिखाई दे जाएं तो समझ लीजिए शुभ ही शुभ होने वाला है। शुभ शकुन लक्षण 4। अचानक ही आपको लगने लगे कि आप अकारण ही अपने अंदर से प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, जिसका कोई प्रत्यक्ष कारण दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने आप को हल्का हल्का अनुभव कर रहे हैं। आपका मन आपसे कह रहा है कि आप तनाव मुक्त हो गए हैं। आप अपनी पत्नी और बच्चों से अधिक प्यार करने लगते हैं। आप बहुत खुश रहने लगते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि अब आपका भाग्य चमकने वाला है, शुरू होने वाला है। शुभ शकुन लक्षण 5। आप सामान्यतः देर तक सोए रहते हैं, पर इस चक्र में अचानक ही परिवर्तन होता है। आपकी नींद भोर में 3-4 बजे खुल जाती है और आपको लगता है कि आप तो एकदम तरोताजा हो गए हैं। आप उठकर या तो पूजा पाठ करने लगते हैं या पुस्तकें पढ़ने लगते हैं। तो समझ जाना चाहिए कि बस अब तो आपका भाग्योदय होने ही वाला है। शुभ शकुन लक्षण 6। यदि आप विद्यार्थी हैं और सामान्यतः आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपको ऐसा अनुभव होता है कि आपके मन में घर्षण की स्थिति बनी हुई है, पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता और अचानक ही आपको पढ़ने का मन करने लगे, ऐसा लगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वह आपको कंठस्थ होता जा रहा है और आप अपने आप को आलस विहीन पाने लगे हैं, तो यकीन के साथ समझ जाइए कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने ही वाला है। और अच्छा समय शुरू होने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि खुशी का एक अनजाना एहसास होने लगता है जो अपने नियंत्रण में नहीं होता। पेट में बटरफ्लाईज उड़ती हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे लीवर पिघल रहा है और हल्का होकर जल की तरह पिघल रहा है। यदि किसी विद्यार्थी को ऐसा एहसास हो तो समझ जाना चाहिए कि वह अच्छे नंबरों से पास होगा, इंटरव्यू में उसे सफलता मिलेगी और उसकी शीघ्र नौकरी लग जाएगी। शुभ शगुन लक्षण 7। भोर में वैसे तो पक्षी कलरव करते ही रहते हैं, पर सामान्यतः इस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। यदि अचानक से ही भोर में आपके निवास के पास पक्षियों का मीठा कलरव होने लगे और पक्षियों का यह मीठा कलरव सुनकर आप बिस्तर से उठ जाएं और आपको ऐसा लगे कि पक्षियों का यह कलरव आपको खींच रहा है और आपके आलस को छू मंत्र कर दे रहा है, तो यकीन कर ले कि आपका भाग्योदय होने ही वाला है। यदि आपके घर में गौरैया या बुलबुल पक्षी घोंसला बनाकर रहने लगे और उनके घोंसलों से नन्हे पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगे, तो समझ लीजिए आपका भाग्य जागने ही वाला है। शुभ शकुन लक्षण 8। यदि सपने में आपको देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, मंदिर दिखाई देते हों, मंत्रों की ध्वनि जैसे ओम या गायत्री मंत्र या अन्य वैदिक मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती हो या देवी लक्ष्मी दिखाई देती हो, तो यह भाग्योदय की निशानियां होती है। शुभ शकुन लक्षण 9। यदि सपने में आपको झाड़ू दिखाई दे या आपको दिखाई दे कि आप घर का कूड़ा कचरा साफ कर रहे हैं और अपने घर को सजा रहे हैं, तो यह शुभ लक्षण है और अच्छा समय आने के पूर्व का संकेत है। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है। समझ जाइए कि आपके ऊपर से खराब ग्रहों जैसे राहु और शनि की दशाओं और अंतरदशाओं की समाप्ति हो रही है। इसी प्रकार यदि आपको सपने में चांद, तारे और आकाश गंगाएं दिखाई दें, मोर, उल्लू, नेवला, छिपकली, फूल, उपवन दिखाई दें, तो यह आने वाले अच्छे भाग्य के चिन्ह हैं। शुभ शकुन लक्षण 10। यदि सपने में आप अपने पुराने वस्त्र फेंक रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, तो यह भाग्योदय और कर्ज से मुक्ति और धनागमन का संकेत है। यदि सपने में कोई बूढ़ी औरत या भिखारिन आपके ऊपर नाराज हो रही है या कोई भिखारिन आपको गाली दे रही है, तो समझ जाइए आपकी गरीबी के दिन लद गए और अब खुशहाली आने में देर नहीं है। शुभ शकुन लक्षण 11। सुबह सुबह यदि आपको शंख या घंटी की आवाज सुनाई दे जाए या किसी देवता की मूर्ति या पालकी या शोभा यात्रा के दर्शन हो जाए, तो यह शुभ संकेत है और यह मानकर चलिए कि जिस काम के लिए आप घर से बाहर जा रहे हैं वह सिद्ध हो ही जाएगा। शुभ शकुन लक्षण 12। यदि घर के आंगन में काली चींटियां बड़ी संख्या में दिखाई दे, तो यह शुभ संकेत होता है। ऐसा समझ ले कि आपके शत्रु परास्त होंगे, मुकदमे में आपकी विजय होगी। इन चींटियों को आप शक्कर मिला हुआ आटा खाने के लिए डालें। यदि आपके घर में कहीं दीमक लगी हो, तो एक कागज के सहारे कुछ काली चींटियों को सावधानी पूर्वक उठाकर दीमक वाले स्थान पर रख आएं और वहां शक्कर मिला हुआ थोड़ा सा आटा
डाल दें, कुछ घंटों में ही काली चींटियां दीमक का सफाया कर देगी। शुभ शकुन लक्षण 13। यदि दीपावली को घर में छिपकली दिखाई दे जाए तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो गई है और आपको किसी माध्यम से प्रचुर धन मिलने वाला है। इसी तरह यदि सामान्य स्थिति में आपको घर के किसी कोने में या दीवार पर एक साथ तीन छिपकलियां दिखाई दे जाएं तो यह बहुत ही शुभ होता है, और यदि तीनों छिपकलियां एक के पीछे एक चलती हुई नजर आ जाए तो और भी शुभ होता है। शुभ शकुन लक्षण 14। यदि घर से निकलते समय गाय, हाथी, उल्लू, मोर, गौरैया या बुलबुल दिखाई दे तो यह मान लीजिए कि आपको कार्य में सफलता मिलेगी और प्रचुर धन लाभ होगा। दशहरे वाले दिन यदि किसी को खंजन पक्षी मतलब नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाता है तो अत्यंत सौभाग्य का प्रतीक होता है। शुभ शकुन लक्षण 15। यदि कोई तारा मतलब उल्का पिंड जलता हुआ आसमान से धरती की ओर गिरता हुआ दिखाई दे तो यह शुभ संकेत होता है। ऐसी मान्यता है कि यदि ऐसे टूटे और जलते हुए उल्का पिंड को देखते हुए कोई अपनी मनोकामना बुदबुदा कर या धीरे से बोलकर जाहिर करता है तो उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही संध्या समय यदि आसमान में एकमात्र तारा दिखाई दे तो वह भी शुभ माना जाता है। ऐसा तारा दिखाई देने पर मन ही मन कोई मनोवांछित अभिलाषा उस तारे के सामने बता देनी चाहिए। मान्यता है कि वह पूरी होगी। शुभ शकुन लक्षण 16। यदि सपने में मछलियां या फिर कछुआ जल में तैरते दिखाई दे तो समझ जाइए कि आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुल गए। डॉल्फिन मछलियों को वास्तव में देखना भी गुड लक की निशानी है। शुभ शकुन लक्षण 17। यदि आपको मोर आवाज करता हुआ और नाचता हुआ दिखाई दे तो समझ जाइए कि अब आपका अच्छा समय शुरू होने ही वाला है, और यदि आप प्रातःकाल मोर की आवाज और पक्षियों का कलरव 10 मिनट भी सुन लेते हैं तो आपके सारे मनोविकार और नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और अच्छा समय शुरू हो जाएगा। शुभ शकुन लक्षण 18। यदि आप कहीं जा रहे हों और रास्ते में आपको कोई सिक्का या रुपए का नोट गिरा हुआ दिखाई दे जाए तो समझ जाइए कि आपका फंसा हुआ पैसा आपको शीघ्र वापस मिलने ही वाला है, परंतु आप इस प्रकार से मिले हुए सिक्के या रुपए के नोट को अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर कभी ना रखें। इन्हें किसी मंदिर में चढ़ा दें या किसी गरीब को दान में दे दें। शुभ शकुन लक्षण 19। घर से निकलते समय यदि किसी मृत व्यक्ति की अर्थी जाती हुई दिखाई दे जाए तो समझ ले जिस काम के लिए आप घर से निकल रहे हैं वह पूरा होगा, आपको धन लाभ होगा। शुभ शकुन लक्षण 20। यदि आप घर से निकल रहे हों और आपको सामने कोई हाथी दिखाई दे जाए या नारियल दिखाई दे या रास्ते में उजाड़ स्थान पर सफेद आग का पौधा नजर आया तो यह मान के चलिए कि जिस काम के लिए आप घर से निकल रहे हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगा, आपको धन लाभ होगा और आपका भाग्य उदय होगा। अंत में उस नीलकंठ पक्षी ने कहा, यदि यह व्यापारी इन लक्षणों के अनुसार कार्य और आवागमन करे तो इसे बहुत अधिक लाभ होगा। यह कहकर वे दोनों पक्षी उड़ गए। व्यापारी तो उनकी बातें सुन रहा था। उसने अब निश्चय किया कि वह इन लक्षणों या संकेतों की पहचान करके ही कार्य किया करेगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।